देखिए दीपिका, जिस तरीके से 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुआ है, बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा है। और चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़ी जानकारी साझा की गई है, वो वाकई एक बड़ी तस्वीर दिखाती है इस लोकतंत्र के महापर्व में। और देखिए, बांसुरी स्वराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। और क्योंकि आज नतीजों का दिन है, तो भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जनता तो अपना जनादेश सुनाएगी, लेकिन इसी के साथ भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा हो जाता है। और इसीलिए देखिए, प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत के साथ साथ आस्था में भी तल्लीन नजर आते हैं। और क्योंकि आज तो परिणाम का दिन है, तो तस्वीरें इसी तरीके से खास लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मंदिर पहुंची हुई हैं वो, और भगवान से आशीर्वाद वो मांग रही हैं नई दिल्ली से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। कैसा मुकाबला रहता है, क्योंकि पहली बार देखिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ा है उन्होंने, और ऐसे में आज उसका नतीजा सामने आना है। क्या परिणाम होता है ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल उन्नति, क्योंकि देखिए परिणाम पर सबकी नजर टिकी है। परिणाम आज देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण रहता है और कौन से प्रत्याशी की किस्मत खुलती है। और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से आस्था को लेकर यहाँ पर पहुँच रही हैं, पूजा पाठ करने के लिए पहुँच रही हैं। दोपहर तक रिजल्ट आ जाएंगे, दोपहर तक ये साफ होता चला जाएगा कि आखिर कहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और देश में अब आखिर रिजल्ट की बारी है, तो किसकी बारी आने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रही हैं, जनादेश 2024 के कई बड़े चेहरे हैं। हरियाणा की बात, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, कई बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल, देखिए क्या तस्वीर है, क्योंकि 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरीके से, लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लालचंद प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, लवकेश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लवकेश, आपके पास आती हूँ, क्योंकि वाराणसी बेहद ही ज्यादा वीवीआईपी सीट बनी हुई है, किस तरीके से मतगणना की तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं। ठीक है लवकेश जी, बिल्कुल देखिए, काशी के सांसद जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, तो सभी की निगाहें जो है वो काशी पर आकर के टिकी हुई है। अगर हम मतगणना स्थल की बात करें, तो मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल करा ली गई है, और जो जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर अधिकारी है वो लगातार स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर और बाहर निगाहें बनाए हुए हैं और लगातार दौरे निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष ने भी इस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि ईवीएम की देखभाली करें जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती है। इसको लेकर के जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सपा के कार्यकर्ता है, स्ट्रॉन्ग रूप से अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आज काशी की जनता किसको कितना अपना अधिकार देती है, कि किसको अपना सांसद चुनती है या प्रधानमंत्री एक बार फिर से काशी की जनता चुनती है। इन सब चीजों को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई। वही बीजेपी की बात करें, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए जी तोड़ से केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो चाहे विधायक हो या बीजेपी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता हो, वो गलियों में नजर आए जिस तोड़ मेहनत धूप में। अब ये देखना होगा कि उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। बीजेपी की तरफ से मंदिरों में पूजा पाठ किया जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से भी पूजा पाठ किया जा रहा है। कहीं मिठाइयाँ बन रही हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीतेंगे तो हम मिठाई भी बटेगी, लड्डू बन रहे हैं, हम सब मंदिर में जल्दी लोग कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं कि एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत कर काशी एक बार फिर से सांसद के रूप में और देश का प्रधानमंत्री देश को सौंपे। जी लवकेश, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार तैयारियां तो यहां पर की गई हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख संवाददाता। लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां की गई है काउंटिंग को लेकर, मतगणना स्थल पर क्या कुछ तस्वीरें? दीपका, जिस तरीके से लोकसभा का महापर्व जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ, अब मतगणना की बारी है। और आज सुबह 8 बजे से यानी कि थोड़ी देर बाद ही
मतगणना शुरू हो जाएगी और तमाम जो सांसदों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, जो प्रत्याशी थे, उनका पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से अगर बात करें, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, और जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों पर 851 प्रत्याशी जो है मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज थोड़ी देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। 8 बजे जब बैलेट पेपर की शुरुआत होगी, इसके बाद बैलेट पेपर की पहले गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम की आधे घंटे बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से यहां पर निगरानी बनाए हुए है और मॉनिटरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रांग रूम में जो देखने को मिला कि जो कैमरे लगाए गए थे, उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से भी चुनाव आयोग पूरी नजर यहां पर बनाए हुए है। लेकिन जिस तरीके से 100 मीटर तक किसी भी जो है प्रकार के जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो अंदर नहीं जा सकेंगे, और पूरी तरीके से वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है काउंटिंग की जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार से अराजकता हुड़दंग ना हो सके, इसको लेकर भी पुलिस ने कमर कस रखी है। क्योंकि पहले ही साफ कर दिया है डीजीपी ने कि अगर किसी भी प्रकार से अफवाह फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हुड़दंग किया जाएगा, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है, तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, आज उनका पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से माना जाता है कि कोई भी अगर दिल्ली अगर जाता है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि चाहे वाराणसी सीट की बात की जाए, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ी बहुमत से जो है जीत हासिल करने के लिए उन्होंने वहां पर जमकर प्रचार प्रसार किया, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज थे वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से जिताया जा सके, इसको लेकर सभी ने जी तोड़ मेहनत की। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों की बात करें, 4 रायबरेली से राहुल गांधी जिस तरीके से मैदान में है, उनको जीत को लेकर कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार वहां पर जो है प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दिया। खुल इंडिया गठबंधन के चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, वो भी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। इसी तरीके से अमेठी की भी सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां से मैदान में है और उनको जो है केएल शर्मा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है चुनाव प्रचार के दौरान वार पलटवार का दौर भी दिखाई दिया, लेकिन मतदाता ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वो किसको जिताना चाहते हैं, जिसका फैसला आज होने जा रहा है, यानी कि जब सुबह 8 बजे बज जाएगा उसके बाद से बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है ईवीएम का पिटारा भी खुलना शुरू हो जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत किसके खाते में कितनी सीटें जाती है देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ लालचंद, लेकिन उससे पहले ईशा ठाकुर आपके पास आती हूं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में कई दिग्गजों के साख दांव पर है। जिस तरीके से विपक्ष के आरोप है उसके बिहाफ पर लगातार चुनाव आयोग ने कल अपनी सफाई जो है पेश कर दी है। आज मतगणना स्थल पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी मुकम्मल व्यवस्था? देखिए, एग्जिट पोल आने के साथ साथ ही विपक्ष की तरफ से जो आरोप यहां पर लगाए गए हैं मीडिया के साथ साथ चुनाव आयुक्त पर भी, जो एग्जिट पोल है उसे मोदी पोल कहा जा रहा है, और जो चुनाव आयोग की बात करें तो उन पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ये चुनाव करवाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच हालांकि कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो ये ज़रूर कहते नज़र आ रहे हैं कि ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तो ही पता चल पाएगा कि जनादेश किसके हक में जाता है, तो वो सभी को स्वीकार होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश भेजा गया है कि कहीं भी आपको कुछ आशंका नज़र आती है तो आप तुरंत वीडियो बनाकर भेजें, तो ऐसे में कई ऐसी जगह हैं जहां से माना जा रहा है कि छिटपुट हिंसा हो सकती है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कड़ी व्यवस्था यहां पर की गई है। जो काउंटिंग सेंटर है उसके इर्द गिर्द धारा 144 लगाई गई है और जो स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाए गए हैं वहां पर काउंटिंग के वक्त एजेंट ही जा सकते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने की मनाही है। अगर कोई काउंटिंग सेंटर के बाहर भी कोई, जहां धारा 144 लगाई गई है, कोई व्यक्ति नज़र आता है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो या ना हो, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये
सख्त जो कार्रवाई देने के आदेश जारी किए गए हैं वो इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ईवीएम को लेकर भी धांधली हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हर तरीके से पारदर्शिता अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है और ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, ईमेल फोन नंबर और टोल फ्री नंबर भी यहां पर जारी किए गए हैं कि अगर किसी को कोई आशंका होती है तो वो चुनाव आयोग को भी कांटेक्ट कर सकता है। अब जैसे ही 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे 10 बजे और 11 बजे के बीच किसके पक्ष में रुझान जाता है ये पता चल जाएगा, लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है कि पूर्ण बहुमत से उन्हीं की सरकार आ रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में अभी से ही मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ईशा, क्योंकि देखिए लगातार पंजाब और हरियाणा का भी काफी अहम रोल हो जाता है देश की राजनीति में, वो हम सभी ने देखा है। और हमीरपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए अमित, हमीरपुर में भी कांटे की टक्कर दोनों प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनमें देखने को मिली। अब साथ ही साथ ये बताइए कि आज रिजल्ट का दिन है, नतीजों का दिन आज है, मतगणना स्थल पर क्या कुछ तैयारी, काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी? एक लोकसभा बनाई गई है, लोकसभा 5 विधानसभा आती है, हमीरपुर में एक हमीरपुर सदर विधानसभा, एक राठ विधानसभा और महोबा की एक महोबा विधानसभा, एक चरखारी विधानसभा और बांदा सीट की एक सुनवारी विधानसभा, 5 विधानसभा को मिलाकर एक लोकसभा बनाई गई है जहाँ पर 8 मतपेटियों का पिटारा चलेगा, जहाँ पर हमीरपुर लोकसभा हमीरपुर में 2 विधानसभाओं का पिटारा चलेगा और महोबा में 2 विधानसभा का पिटारा खुलेगा और बांदा में 1 सिद्धवारी विधानसभा जो कि बांदा में पिटारा खुलेगा। दोनों 5 विधानसभा को लेकर एक लोकसभा बनाई गई है। आज की हम बात करें लोकसभा संदर्भ में, आज 8 बजे से मतगणना शुरू होगी हमीरपुर और राठ विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14-14 टेबलें लगाई गई हैं। 33 व राठ विधानसभा की 35 राउंड पर होगी मतगणना। ईवीएम वोटों की गिनती को 10 टेबल और 40 कर्मी लगाए गए हैं। 162 कर्मी दोनों विधानसभाओं की टेबलों पर करेंगे मतगणना। 6 सेक्टर पुलिस कर्मी एवं कंपनी और 1 कंपनी पीएससी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिए तैनात है। 18,60,000 वोटरों में से 11,14,00,000 वोटरों ने मतदान किया था जिसमें आज जो जिनका जिनकी किस्मत होगी वो पिटारों में कैद हो गई होगी। 2019 की लोकसभा की बात करें तो वही भाजपा के प्रत्याशी प्रेम सिंह चंदेल 2 पंचवर्षीय भाजपा के सांसद रहे और तीसरी बार भाजपा ने अपना विश्वास दिलाकर मैदान पे उतारा था। और बात करें भाजपा प्रेम सिंह चंदेल की तो उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़ा था। वहीं पर बात कर 2019 की लोकसभा में बीएसपी के प्रत्याशी को हराकर वो लोकसभा पहुंचे थे और इस बार 2024 की लोकसभा की बात करें तो यहां पर टक्कर देने वाले के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत जो है वो भी काफी अच्छी चुनाव लड़े हैं और काफी मेहनत किया है और लोगों पर प्राथमिकता दिखाई है, जाकर अपने विकास के कार्य गिराए हैं। जी बिल्कुल, देखिए वाकई आज नतीजों का दिन है और ऐसे में अलग अलग सीटों पर क्या रुझान होते हैं, किसकी जीत होती है, ये देखना बेहद ही ज्यादा खास रहेगा। ठीक है लालचंद, आपका रुख करती हूँ क्योंकि देखिए वाराणसी हो, अमेठी हो, रायबरेली हो या फिर कन्नौज हो, इस पर कहीं ना कहीं ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि इंडिया गठबंधन और एनडीए से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। कैसा मुकाबला इन सीटों पर रहने वाला है क्योंकि आज हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, क्या शुरुआती रुझान है क्योंकि लगातार जीत के दावे सबके अपने अपने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव का महापर्व संपन्न हो चुका है और आज फैसले की बारी है, फैसला किसके हक में जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद 1 घंटे के बाद से रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर 851 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में जो तमाम बड़े मतदाता थे उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हर एक सीट पर कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात की जाए और चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लगातार लोगों ने प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की कमान संभाले रहे और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश
प्रदेश में जो उन्होंने 80 का लक्ष्य दिया था वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि बीजेपी में पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी में जीत को लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही मिठाइयां बनना शुरू हो चुकी हैं, जीत को लेकर जो है गोले पटाखे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जीत के बाद कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो उसकी तैयारी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने भी लगातार जो है प्रचार प्रसार किया, और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी यह तो जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद, जब रुझान आना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही पता चल सकेगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि नतीजे आने से पहले ही विपक्ष या इंडिया गठबंधन की बात है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से कल ही अखिलेश यादव ने पहले जनता से अपील की, इसके बाद ये भी जानकारी हुई कि वो अधिकारियों को उनके जो नेता है कार्यकर्ता है वो धमकाने हुए दिखाई दे, जिसके बाद बीजेपी का डेलीगेशन जिसमें दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम मंत्री थे उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत भी की। यानी कि यह माना जाए कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जीत को लेकर जहां एक तरफ तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की या इंडिया गठबंधन की बात है वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जनता ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो जो प्रत्याशी थे उनको किया है, या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी उसको लेकर किया है, या अखिलेश जो कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जो एजेंडा जारी किया था उसको लेकर मताधिकार का प्रयोग किया है, ये थोड़ी देर में साफ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 851 जो प्रत्याशी मैदान में उनकी किस्मत का फैसला होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की है, जो स्ट्रांग रूम में कैमरे लगाए गए उस पर खुद मॉनिटरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस विभाग की तरफ से खुद DGP जो है मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, स्थानीय पुलिस के साथ वहां पर जो SP है DSP है उनको भी लगाया गया है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला है कि जो RRF है PSC के जवान है उनको भी तैनात किया गया है, यानी कि किसी भी प्रकार से हुड़दंग ना हो सके, किसी भी प्रकार से बवाल ना हो सके, किसी भी प्रकार से जो है सोशल मीडिया पर आरोप ना लगाया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बड़ा पर्व है आज, क्योंकि जिस तरीके से 7 चरणों में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब देश का जो चुनाव होने जो आज जीत होगी वो किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर में धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि किसके पास कितनी सीटें आ रही। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जीत और मेहनत इस चुनाव में लोग करते हुए दिखाई दिया, और वार पलटवार का दौर भी दिखाई दिया, और जो खटाखट पटाफट और झटाझट की बात भी थी वो भी यहाँ पर दिखाई दी। जी खैर, ये तो अब से कुछ ही देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगा, और अब से कुछ ही देर बाद जो है तस्वीरें भी दिखने लग जाएंगी कि आखिर क्या कुछ रुझान आते हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए और लगातार आपको इस लोकतंत्र के महामतगणना की कवरेज देते रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काउंटिंग से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आज चुनाव आयोग ही पंच परमेश्वर है, अखिलेश यादव चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना की मांग की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज लगातार चुनाव आयोग से पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर मतगणना की मांग कर रहे हैं, और काउंटिंग से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान कि पंच परमेश्वर चुनाव आयोग ही है, तो सबकी निगाहें इस पर है कि मतगणना कैसे होती है, पूरे निष्पक्ष तरीके से होती है कि नहीं, इसको लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन के बीच जो खलबली मची हुई है उसी को लेकर ये बड़ा बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सामने आया है। बिल्कुल, देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही काउंटिंग से पहले सपा अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। और देखिए, इसी बीच RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि जैसे जैसे NDA के सांसदों की गिनती होगी, सर्व समाज की तेज रफ्तार से तरक्की निश्चित होगी। देखिए, सभी जो नेता हैं वो अपनी ओर से बयानबाजी करने में लगे हैं। हाल ही के आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और उससे पहले अध्यक्ष की बात तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैम, कितना मार्जिन का टारगेट है, अगर कुछ बता पाए यहाँ से काउंटिंग।
और ये देखिए सभी जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर जो बीजेपी प्रत्याशी है वो भी लगातार कह रही हैं, साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी यहां पर बयान सामने आया है। तो वहीं सभी अपनी अपनी ओर से यही चाह रहे हैं कि जो मतगणना है वो निष्पक्ष तरीके से हो। अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जनादेश 2024 आखिर क्या कुछ रहता है, जनता क्या कुछ फैसला करती है, ये अब से कुछ ही देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी की, लेकिन अब ये जनता ही तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनती है और जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है। लगातार आपको बताएं कि एग्जिट पोल जहां पर सामने आए थे उसके बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आया एग्जिट पोल पर भी, लेकिन आज नतीजों का दिन है, आज परिणाम का दिन है और ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं ऐसे, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, जो चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो चलिए अब हमारे साथ हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार बनी हुई है। ईशा, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें आपने दिखाई और आपने बताया कि मतगणना की तैयारियां किस तरीके से है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतगणना स्थल पर? देखिए सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं, जो अधिक कर्मचारी हैं उन्हें भी यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही साथ अगर सुरक्षा बलों की बात करें और पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो उनकी भी तैनाती की गई है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में इस वक्त विपक्ष पार्टियाँ खड़ी कर रही है, तो ऐसे में चुनाव आयुक्त के ऊपर ही आज पूरा दामोदार है कि किस तरीके से वो इस पूरे मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से वो करवाते हैं। थ्री लेयर में देखिए काउंटिंग होगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, और जो जिस तरीके की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और बिना आपको जो कार्ड दिया गया है उसके कार्ड के बिना जो एजेंट है वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर तक एंट्री नहीं कर पाएंगे। स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो अधिकारी और पुलिस महकमा लगाया गया है उन्हें कहा गया है कि धारा 144 की भी यहाँ पर पालना करवाई जाए, कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उसके इर्द गिर्द भी नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन और पंजाब सरकार के जो चुनाव आयोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि पूरी कोशिश यहाँ पर चुनाव आयोग की है कि पारदर्शिता तरीके से ही जो मतगणना है वो किए जा सके। CCTV फुटेज हर जगह पर लगाई गई है, थ्री लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है, स्ट्रांग रूम में एजेंट के अलावा कोई जा नहीं सकता है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद EVM खुलना शुरू होंगे, यानी कि 10 और 11 बजे का जो समय है उससे रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि NDA क्या तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक लगा पाती है या फिर विपक्षी एकता गठबंधन जिस तरीके से वो कह रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है कि 295 वो सीट जीतने वाले हैं, लेकिन उस 10 और 11 बजे का वो समय है जब रुझान आने पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगे और ये पता चल पाएगा कि हैट्रिक यहाँ पर NDA लगा पाती है या नहीं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि आंकड़ा जो 400 पार का यहाँ पर नारा दिया गया है उस आंकड़े से कितना पीछे रहती है या कितना आगे जाती है। यहाँ पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें हैं, एक करनाल विधानसभा उपचुनाव पर मतदान हुआ था, उन सभी को लेकर 11 सीटों पर मतगणना होनी है। और यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से जो उनकी इंटरनल रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सौंपी है, उसमें यही कहा गया है कि 3 ऐसी सीटें हैं जो हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसमें अम्बाला, रोहतक और सिरसा का जिक्र है, लेकिन 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी नेताओं ने ही अपने ही नेताओं के विरुद्ध काम किया है। हिसार, सोनीपत की बात करें तो सिरसा, हिसार और सोनीपत, ये 3 वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां के बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं ने ही उनके विरुद्ध काम किया है, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान उन पर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन पूरी नजरें देखिए उत्तर भारत पर भी इसलिए टिकी है, विपक्षी एकता गठबंधन का कहना है कि दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है, अब बारी है उत्तर भारत की। उत्तर भारत में जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद किया था वो श्री राम का ही था, और ऐसे में बार बार यही नारे यहाँ पर रैलियों में लगाए जा रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो राम को लाए हैं उस हम उनको लाएंगे, इस नारे को ध्यान में रखकर आप मतगणना मतदान दीजिए
लीजिए और अब मतगणना की बारी है। और ये भी कहा गया था कि ये धर्म युद्ध है, अब धर्म युद्ध में किसकी जीत होती है ये देखना लाजमी है। और जो रिजल्ट आएंगे वो 11 बजे के बाद ही पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसकी यहाँ पर सरकार बन रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के आरोप ना तो मीडिया पर लगाए थे, ना ही ईवीएम पर और ना ही चुनाव आयोग पर, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए के पक्ष में अगर फैसला आएगा तो ये कहा जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन पंजाब की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग सीटों में लड़ रही है और यहाँ की अगर बात करें जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो ऐसे में इसका नुकसान जो मौजूदा राज्य में सरकार है आम आदमी पार्टी उन्हें उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस कैंडिडेट हैं या जो मुकाबला देखने को मिल रहा है तो उसमें यही कहा जा सकता है कि सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा ले सकती है जिस तरीके से जो चुनावी जो लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी है, वो 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तैयारी पे जुटी हुई थी। 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं और अगर यहाँ से बीजेपी 3 या 4 सीटें निकाल पाती है तो बीजेपी को होगा कि 2027 में वो पंजाब में सरकार बना सकती है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। श्रोमणि अकाली दल एक पंथक पार्टी है, पुरानी पार्टी है। देखना होगा कि आखिर हैट्रिक कौन मारता है, क्योंकि ये मुकाबला वाकई दिलचस्प रहा है देखने को। और जिस तरीके से ईशा देखिए, लगातार बीजेपी कह रही है कि हम अपने दम पर 370 सीटें हासिल करेंगे, ये आंकड़ा वो छू पाती है कि नहीं ये देखना बेहद ही ज्यादा खास रहेगा। और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। तो देखिए स्ट्रांग रूम की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी के मद्देनजर देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और पूरी ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी जो होती है, जो प्रोटोकॉल होता है वो अपनाया गया है वहां पर। और स्ट्रांग रूम का ताला फिलहाल खुला है और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब आधा घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जब मतगणना की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने कामों में जुट गए हैं। तस्वीरें बेहद ही खास हैं, तो स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें दिखा रही है कि कितना बड़ा दिन है आज और इस बड़े दिन के लिए बड़ी तैयारी करते हुए तमाम विशेष अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही देखिए ये लगातार जो कर्मी है वो अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और क्योंकि अब वक्त नजदीक है काउंटिंग का, इसके लिए तैयारियां और जोरों पर नजर आ रही है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने, ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम से ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए लगातार जो कर्मचारी है अधिकारी है वो अपना काम करने के लिए पहुंच चुके हैं और अब से 15 से 20 मिनट का ही समय बचा है, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे आखिर कहाँ पर किसने बाजी मारी है। हालांकि देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा है वो कड़ी की गई है, पुलिस प्रशासन का भी पहरा है, इसके साथ ही जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हैं और एक कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 बजे के बाद से ही धीरे धीरे करके जो रुझान है वो भी आना शुरू हो जाएंगे और जो दिग्गज चुनावी मैदान में है उनकी जो प्रतिष्ठा धाम पर लगी है उसको लेकर भी जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। और देखिए सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, चाहे वो चुनाव आयोग की बात हो, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की, राजनीतिक पार्टियों ने जहां पूरे चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में खुद को बहुत ही अच्छे से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन आज फैसले की घड़ी है, आज फाइनल राउंड है और आज पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, जनता आखिर क्या कुछ चाहती है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसके साथ ही आपको हर सीट वाइज भी बता रहे हैं कि किसके बीच में कितना मुकाबला है, कौन किस पर कितना भारी है। इसके साथ ही जो दिग्गज हैं चुनावी मैदान में वो भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और कौन से राज्य की कितनी सीटें हैं, जहां अलग अलग राज्यों की सीटें आपको बता रही हैं। हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 और दिल्ली की 7 सीटें जिन पर आज नतीजे आने हैं। और सबकी जो निगाहें हैं वो लगातार हॉट सीटों पर बनी हुई है, पूरे देश में जो हॉट सीटें हैं उन पर सबकी निगाहें बनी है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जनता भी ये जानने के लिए काफी उत्साहित है कि
उन्होंने जिसको मत दिया है, उन्होंने जो वोट दिया है, उसकी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, आखिर क्या कुछ नतीजे शाम तक सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार वाकई तस्वीरें जो हैं खास हैं कि किस तरीके से सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद आधा घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, तो तस्वीरें बेहद ही खास हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस मुख्यालय से यूनिस खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। यूनिस, सीधा आपके पास आती हूँ, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय पे तो जीत के जश्न की तैयारी हो रही है, वहां पर इस तरीके से जश्न के माहौल के लिए प्रिपरेशन चल रही है, कांग्रेस मुख्यालय से क्या तस्वीर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस मुख्यालय पे भी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए हैं। जैसे ही 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि धीरे धीरे शाम तक ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है। अगर वही बात करें जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं वो भी जीत रहे हैं, और वहीं केंद्र में सरकार भी इंडिया गठबंधन की बनाई जा रही है। और वहीं जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात की जाए अभी इस वक्त, तो कांग्रेस पार्टी पर कुछ लोग ही पहुंचे हैं, धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें तो हम सभी देखते जा रहे हैं, और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली से मनोज प्रजापति भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि आज देखिए काउंटिंग का दिन है, और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रही हैं बीजेपी मुख्यालय में, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की तैयारियां चल रही है, यहाँ पर रात से ही लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एग्जिट पोल में दिखाया गया है बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। और मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें वो आपको दिखाए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मनोज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खास है, और देखिए लड्डू बन रहे हैं दीपिका, और तैयारी पूरी है। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि अकेले अपने दम पे 317 और एनडीए 400 पार करेगी, ये आंकड़ा छुपाने का उनको पूरा भरोसा है। और एग्जिट पोल भी जिस तरीके से सामने आया है, हालांकि एग्जिट पोल के बाद अब एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए बीजेपी मुख्यालय पे किस कदर सामने आ रही है, जहां पकवान बनाए जा रहे हैं, और ये जो जीत का उत्साह है, उमंग है, वो वाकई देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मिठाई चखने का अवसर मिलता है कि नहीं, और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो बेहद ही खास तस्वीरें हैं। लगातार हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। बहुत अच्छी देश भर में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्ष सेवा भाव से बिना भेदभाव गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति को सम्मान दिलाया, देश के युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देने का काम किया, और हमारे किसानों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सहयोग से आज भारत अमृत काल में विकसित भारत बनने के लिए संकल्प, नए संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए इस चुनाव में बाहर उतरी थी, और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार देश की सेवा 24 घंटे सातों दिन 24/7 विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम किया है, उसका आज मतदाताओं द्वारा आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, और देश में पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार, कर्तृत्ववान और देशभक्त सरकार आज स्थापित होगी। मुंबई से आप पहली बार लड़ रहे हैं, कितना लीड दिख रहे हैं आप यहाँ से?
देखिए इस बीच बड़ी खबर, 13 मिनट बाद शुरू होगी वोटों की गिनती, जहां कुछ ही देर का इंतजार, देश की 542 सीटों के लिए मतगणना, जहां 13 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो तस्वीरें बेहद ही खास सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच महज 13 मिनट का इंतजार होगा और 13 मिनट के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार नजर बनी हुई है नेटवर्क 10 की भी कि आखिर मतगणना कैसे शुरू होती है और शुरुआती रुझान क्या कुछ कहते हैं। तो स्क्रीन भी सजी हुई है और लगातार नजर भी बनी हुई है, लेकिन इस बीच इंतजार हो रहा है कि मतगणना की प्रक्रिया कितनी तेजी के साथ शुरू होती है, क्योंकि पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद आधा घंटे बाद ईवीएम खुलेगी। तो ऐसे में तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल अब इंतजार बस 13 मिनट का और रह गया है। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जिसका हम सभी को इंतजार है, आखिर वो घड़ी आ जाएगी। देखिए लगातार आपको हम इस महा मतगणना की महा कवरेज दिखा रही हैं। देश की 542 सीटें, 543 सीटें हैं जहां 13 मिनट बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। और चलिए देखिए हमारे साथ दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से राजकुमार चौधरी, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है, लगातार बने हैं राजकुमार, क्योंकि देखिए दिल्ली की 7 सीटें हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा पिछले 2 बार से रहा है। अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। देखिए दीपिका, स्वाभाविक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माने जाने वाले हिंदुस्तान में और जिस तरीके की परिस्थितियां और जिस माहौल के बीच 7 चरणों में चुनाव हुआ, इस बार जरूर एक चीज जरूर देखने के लिए मिली कि बयान वीर जो थे, बयानों में बड़ी गिरावट आई और इस लेवल तक चीज़ें चली गई कि किस किस तरीके के बयान आए। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आम आदमी जो है वो अपने नेताओं से किस तरीके की अपेक्षा रखता है, जो उनका नेतृत्व करें, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी शैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि शब्दावली बहुत मायने रखती है। जहाँ तक दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे नगर निगम के चुनावों की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, लेकिन एक मैंडेट जब बड़े प्लेटफॉर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दुनिया की और देश की सबसे बड़ी संसद जो है, सबसे बड़ी पंचायत जो है, उसमें जो उसके प्रतिनिधि होते हैं, जनता ये चाहती है कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हर तरीके से सक्षम, सबल और शिक्षित होना चाहिए। तो ये जो इस बार के जो लोकसभा के चुनाव है 7 चरणों में, परिणाम क्या होंगे ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन हर जो सीट है उस सीट पर बहुत बेहतर तरीके के मुकाबले हुए हैं। चाहे हम उत्तर पूर्वी सीट की बात कर लें, जहाँ से अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके बीच और कन्हैया के बीच में जिस तरीके की टक्कर हुई, उस तरीके के पूरे एक तरह के घटनाक्रम बदले और तमाम बयानों के बीच में भी तमाम तरह की चीज़ें निकली। लेकिन चांदनी चौक की सीट की यदि बात करें तो चांदनी चौक से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बेहतर और सुलझे हुए जो जेपी अग्रवाल हैं उनको मैदान में उतारा। जेपी अग्रवाल 1984 से सांसद, मतलब 3-3 बार वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, कांग्रेस का मुख्यालय उन्होंने संभाला है, तो एक बहुत अदावत उस सीट पे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम जो हैं वो किस तरह के से आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली के जैसे और 543 सीटों की बात कर लें तो एक सीट जो है उससे खाता खुल चुका है, जो उसकी सीट है उस पर NDA जो है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, निर्विरोध वो जीते हैं। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से जो 3 बार के जो 3 टर्म के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बौनी से शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। शाम होते होते, दोपहर होते होते कई बार उफान होंगे, लेकिन जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो शब्द हैं उन शब्दों में कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देने का प्रयास किया कि लोकतंत्र में जो बयान हैं उन बयानों पर जरूर लोगों को अंकुश रखना चाहिए, और उसको लेकर पूरे देश में इस समय हाई अलर्ट भी है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की यदि मैं बात कर लूँ तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर
मीडिया के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सबको केबिन्स बना के दिए गए हैं ताकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाकर अपनी बात को बहुत सलीके और सबल तरीके से रख सकें। आज पूरा देश कहीं ना कहीं टीवी चैनलों के माध्यम से इन सब जो परिणाम होंगे उन परिणामों को देखेगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके अलावा अतिथि देवो भव का भी यहाँ पर बहुत बेहतर एक नज़ारा दिख रहा है, बड़ा शानदार एक टेंट लगाया गया है जिसमें तमाम तरीके की व्यवस्था की है ताकि जो लोग आए हैं, जिन लोगों को बुलाया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में कई जगह हम लोग निकले तो 24 अकबर रोड की बात कर लें तो कांग्रेस मुख्यालय पे भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाहर की तरफ भी सड़कों पर किसी भी तरीके से कि जाम की स्थिति ना हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। पार्किंग जो व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन एक उत्साह है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और आज उसके परिणाम आने हैं। तकरीबन 74 दिनों तक ये पूरी व्यवस्था जो है बनी रही, 7 चरणों में अलग अलग तरीके से चुनाव हुए और जो मतदान के बाद जो आज परिणाम आने हैं उसके अलावा जो 2 दिन का जो एग्जिट पोल का जो दौर गया है उसको लेकर भी तमाम तरह के कयास जो है लगाए गए और तमाम, देखिए ये तो स्वाभाविक तौर पर वही फिर बात आती है कि चुनाव परिणाम जब तक ना आ जाए, जब तक बिल्कुल ठप्पा ना लग जाए, सी सर्टिफिकेट जो होता है, जो प्रमाण पत्र जो होता है जीत का, जब तक हाथों में ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलता है कि नहीं ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब क्या होता है इसी का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है यूनुस, आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जिस तरीके से आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने बकायदा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव संपन्न होने के बाद और नतीजों से एक दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि मंजूर है इल्जाम लगाओ शायराना अंदाज में और कहता है कि बस सबूत साथ हो, बस इतनी सी शर्त है। अब ऐसे में जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद से क्या खलबली आप कांग्रेस मुख्यालय पर देख रहे हैं? कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात की जाए तो कोई भी अभी जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, और अगर बात करी जाए तो कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे पहुँचना शुरू होता जा रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए एग्जिट पोल को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि जो एग्जिट पोल है वो गलत है और इसमें इंडिया गठबंधन को लेकर देश में सरकार बनाई जा रही है, अगर वहीं बात की जाए, हम दिल्ली की करते हैं, दिल्ली की जिस तरह से 7 सीटें हैं जो पिछले 2014 की बात की जाए चाहे 2019 की बात की जाए तो दोनों बार से बीजेपी के पास ही 7 सीटें रही हैं। अगर इस बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और 4 पार्टियों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, अगर वहीं बात की जाए नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर जहां मौजूदा सांसद मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अगर वहीं दूसरी बात की जाए ईस्ट दिल्ली सीट को लेकर जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार हैं, जो दिल्ली की जो 2 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो है उम्मीदवारों के बीच में तो कड़ी टक्कर देखने को मिली रही है। साथ ही ईशा हमारे साथ लगातार बनी है। ईशा, क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की और आपने बताया कि मतगणना स्थल पर क्या कुछ और अधिक जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों के कई दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं अभी तक? देखिए जो स्ट्रॉन्ग, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो सेक्टर 26 में मतगणना को लेकर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो 117 हलकों में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। अगर हम हरियाणा की तरफ बात करें तो 90 के 90 विधानसभा हलकों में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं और करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नतीजे आने हैं। फिलहाल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके एजेंट स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो नेता हैं अभी पहुंचे नहीं हैं क्योंकि सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती शुरू होगी और जो नेता भी हैं वो 9 और 10 बजे के बीच ही मतदान केंद्रों में जाने शुरू होंगे क्योंकि उसके बाद ही जो असली रुझान हैं वो आने शुरू होंगे जब ईवीएम खुलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, बस 1-2 मिनट की बात है, पोस्टर बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े नेता हैं चाहे विपक्षी एकता गठबंधन के हो या फिर बीजेपी के हैं
वो सभी जो मतगणना केंद्र हैं उनके अपने अपने वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके एजेंट बिल्कुल देखिए लगातार व्यवस्था जो है मुकम्मल की जा रही है। ठीक है ईशा, लौटती हूँ आपके पास। हमीरपुर से अमित भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अमित, जरा हमीरपुर की भी तस्वीर एक बार बता दीजिए, क्या तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं काउंटिंग को लेकर? आज विधानसभा को लेकर एक मुश्किल लड़ाई है और यहाँ पर आज मतगणना 8 बजे शुरू होंगे। अभी 5 मिनट ही बकाया है 8 बजने में। 8 बजे मतगणना शुरू होंगे। 14 टेबलें बनाई गई हैं जिसमें 32 राउंड और 33 राउंडों में मतगणना शुरू होगा। और मतगणना के दौरान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चाक चौबंद है। डीएम एसपी मौके पर भारी फोर्स बल पीएसी मौके में तैनात है। जो ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक को लेकर डाइवर्जन किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, 10 बजे के बाद में रुझान आने शुरू होंगे। जो विपक्षी पार्टी है वो एग्जिट पोल को लेकर बराबर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो बात करें हमीरपुर लोकसभा की, जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं भाजपा के दो पंचवर्षीय सांसद सुखदेव सिंह चंदेल, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और मैदान पर उतारा है। जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है निर्दोष दीक्षित मैदान पर है। जो ब्राह्मणों के वोट काटने की बात करें, और तीसरी जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत मैदान पर उतरे हैं जो भारी टक्कर भाजपा को दे रहे हैं। अब देखना यह होगा जो इनका पिटारा खोलेगा, करीब 2 बजे तक इनका पिटारा खोलेगा, किसकी किस्मत पिटारों में कैद होगी वो तो 2 या 3 बजे लगभग पता ही चलेगा। और जब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, लगातार यहाँ पर डीएम एसपी मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है वो तो अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दोपहर तक जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। चलिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे दर्शकों को भी हम लोग इस महामतगणना की अपडेट जानकारी जो है वो लगातार देते रहेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।